Bye now. से याचना की जानी चाहिए तो ऐसे सद्गुणों की याचना बाकी सारी बातें हमारे जीवन को सार्थक तब बनाएगी जब इन सद्गुणों का विकास भीतर होगा भगवत गीता में इन सद्गुणों की सूचियां स्थान स्थान पर प्रभु के द्वारा दी गई बारहवें अध्याय के भक्त के लक्षण तेरहवें अध्याय के ज्ञानी के लक्षण चौदहवें अध्याय के गुणातीत के लक्षण सोलहवें अध्याय में दैवी संपत्ति के लक्षण और दूसरे अध्याय में स्थित प्रज्ञ के दर्शन लक्षण ये भगवत गीता के द्वारा हम लोगों को दी गई चेकलिस्ट है मैनेजमेंट में चेकलिस्ट का बड़ा महत्व होता है हम चेक करते हैं कितने काम पूरे हो गए कितने नहीं हुए कितनी वस्तुएं आ गई कौन नहीं आई चेकलिस्ट होती है कभी हम अपने जीवन को अपनी मानसिकता को चेक करते हैं क्या भगवान अर्जुन को नित्य बनाकर के ये सारी बातें हम लोगों को सिखाते हैं और अपने सारे के सारे उपदेश का उपसंहार करते हुए श्री भगवान सारे उपदेश को दोष लोगों में समेट लेते सर्वगुतम भूया शुणु में परम हम बचा इष्टो दृढ़ क्ष्याम लगभग पूरा उपदेश हो चुका है और भगवान कहते कि अर्जुन सुनो मैं फिर से एक बार तुम्हें बतलाता हूं सारे गुहयों से भी गुह्य बात द हाइएस्ट सीक्रेट ऑफ ऑल दीक्रेट सर्व गुहतम भूय फिर से बतलाता हूं क्यों इसलिए कि मैं तुमसे बेहद प्रेम करता हूं और ऐसे के करके श्री प्रभु ने दो श्लोक कहे हैं जो वास्तव में प्रभु के मुख से निकाला हुआ गीता का सार है मन मना भव मद भक्तो मदिया जी मान नमस्कुरु मामे मे वायुष्यसी प्रतिजाने ने में इस एक सुंदर श्लोक में भगवान ने कितनी सरल बात बतला दी देखो मन मना भव पहली बात अर्जुन तुम कुछ भी मत करो तुम्हारा मन मुझ में लगा दो और ये बात कहने के लिए तो सीधी है जीवन में उतारना बड़ा कठिन है तो अर्जुन चकित तो होकर के देखता है भगवान कहते कि चलो ऐसा करो पूरा मन नहीं लगा पाते हो तो कोई बात नहीं मेरी सेवा करो मत भक्तो। मुझसे प्रेम करो मेरी सेवा करते रहो मन लगाना कठिन बात है लेकिन तन से सेवा करना उतनी कठिन बात नहीं होती है क्योंकि तन स्थूल है तो उतना करो अच्छा यह भी कठिन लगता है मत या जी रोज मेरी पूजा करो भगवान का एक सुंदर स्वरूप अपने घर में होना चाहिए उसकी रोज पूजा की जानी चाहिए यह बकवास कभी मत करना कि अपना मन तो लगता नहीं है काय को पूजा करना ऐसा बकवास करने वाले कहीं के नहीं रहते हैं मन लगे चाहे न लगे रोज पूजा करो मन लगे चाहे न लगे रोज जप करो मन लगे चाहे न लगे रोज गीता के एक अध्याय का पाठ करो आजकल हमारे देश में एक फालतू का अध्यात्मवाद भी निर्माण हो गया फैशनेबल स्पिरिचुअलिज्म मेडिटेशन करना बस ध्यान करना पूजा क्या करना है ये सब बकवास से ध्यान रखना ध्यान अंतिम बात है भगवत गीता का, ध्यान की बात तो बतलाते ही बतलाते हैं आशंका नहीं लेकिन निरंतर रोज मेरा मन ध्यान में लगेगा ही ऐसी बात नहीं इसलिए पूजा करना जप करना यह ध्यान की सिद्धता है केवल ध्यान ध्यान की बात करने वाले ध्यान भी नहीं करते और पूजा भी नहीं करते और जप भी नहीं करते और ध्यान का, का करते हो पूछने पर कहते ब्लैंक ये ब्लैंक बैंक वाला ध्यान गीता में नहीं है युक्त आसीत मत पर भगवान कहते मत पर भगवान का ध्यान करना है आत्मस्वरूप का ध्यान करना है वो जाने भी ना कैसे करेंगे तो जब करेंगे तब करना पूजा तो करो मधिया जी अरे उतना भी समय हमारे पास कहाँ है भगवान ने अंतिम बात कह दी अरे कुछ मत करो रोज एक बार प्रणाम तो करो माम नमस्कुरु एक बार मेरे पास एक दाम्पत्य आया पति पत्नी हमारे देश की माताएं बड़ी अच्छी होती है वह किसी प्रकार जबरदस्ती अपने पति को धार्मिक बना करके छोड़ना चाहती है पति तो पति होते हैं अब जिसकी संगति में जैसा आ गया वैसे ही बन गया दोनों मेरे प्रेमी थे तो उन्होंने कहा कि महाराज इनसे कुछ कहो ये कुछ भी नहीं करते हैं। मैंने कहा अरे कुछ नहीं करते हो तो उसने कहा कि मैं भगवान में मानता हूँ नहीं मानता हूं ऐसी बात नहीं मैं कोई नास्तिक नहीं हूँ लेकिन मेरे पास समय नहीं है कहा समय की आवश्यकता ही नहीं है बिना समय गंवाए तुम एक काम कर सकते हो ना अरे रोज अपने घर से जब निकलते हो ऑफिस के लिए तो अपने बच्चों को जय श्री कृष्ण तो भी करते होंगे हाय बाय जो भी करना है उसी प्रकार घर से बाहर निकलते समय ठाकुर जी की ओर देख करके केवल प्रणाम ठाकुर प्रणाम इतना कहो तुम्हें समय तो देना नहीं है जाते जाते ही बोलना है रोज इतना ही नमस्कार कर लो उसने कहा इससे क्या होगा मैं केवल जाते जाते प्रणाम कर दूंगा मैंने कहा देखो इससे सब कुछ तो तुरंत नहीं होता है वो तुम्हारा प्रणाम भगवान के पास कब पहुंचेगा तब तो पहुंचेगा लेकिन एक मिस्ड कॉल तो पहुंचेगा रोज और जिसका रोज मिस्ड कॉल आता है ना आखिर आदमी एक दिन विचार करता है देखे तो सही ये कौन है बंदा माम नमस्कुरु जस्ट वेल डिपार्टिंग हमारे एक महात्मा ऐसे पकड़ रहे हुए कृष्ण भगवान को देख करके कहते जय श्री कृष्ण भक्तों की नारी नारी बात है मूल भगवान कहते हैं इनमें से कुछ भी कर लो अर्जुन अपने आप मैं तुम्हें अपने पास लेकर के आऊंगा मामे वैश्यसी सत्यंते प्रतिजाने प्रियो में भगवान के शब्द है मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं जब गीता पढ़ो ना तब ये श्लोक जब आवे तब तो अर्जुन को हटा देना और खुद बैठ जाना भगवान आपसे कहेंगे प्रियो में मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं एंड माइंड वेल ही लव सर्वधर्मान परित्यज्य माक शरण व्रज अहं सर्वपापे मोक्ष बाकी सारी उलझनों को छोड़ दो अर्जुन केवल अखंड मन में एक भावना रखना कि तुम मेरे हो मैं तुम्हारा हूं बात कदम में कम शरणम व्रज का अर्थ ही है मैं हूँ श्री भगवान का मेरे श्री भगवान अनुभव यह करते रहो तज ममता अभिमान अर्जुन ने जिज्ञासा कर क्या की प्रभु ने अपना हृदय खोल करके रख दिया और भगवान बोले अर्जुन मैंने सब कुछ तुम्हें दे दिया ये मेरा गीता का उपदेश अर्जुन जो लोगों को सुनाता है वो मुझे अत्यंत प्रिय हो जाता है और इसलिए हम लोगों ने गीता परिवार में एक ही बोध वाक्य रखा है गीता पढ़े पढ़ाए जीवन में लाए बात खत्म गीता परिवार के सब बालकों को और कार्यकर्ताओं को क्या करना है स्वयं गीता पढ़ना और उनको पढ़ाना जीवन में लाने का प्रयास करना यह गीता परिवार का मिशन स्टेटमेंट है और उसमें सब कुछ आ गया किसी का भी जीवन धन्य होगा इन सारी बातों को संजय ने धुतराट के सामने कहा कितनी बढ़िया बढ़िया बातें संजय ने कही बुढ़ा वैसे के वैसा बैठा था अंधा ज्ञानेश्वर महाराज वर्णन करते हैं बढ़िया संगीत बजती रहे और भैंसा जैसा का तैसा बैठा रहे उसके ऊपर नो चेंज ऐसा ही रहे उसने संजय से प्रश्न पूछा है संजय अब संजय कितने भावों होकर के बोल रहे थे देखो गीता इज मोस्ट ब्यूटीफुल पोएट्री अंत में जो संजय बोल राजन संस्मृत्य अरे राजन क्या बताऊ मैंने क्या देखा योगम योगेश्वर कृष्णा साक्षात सत स्वयं कैसा प्रभु कारु संजय बार बार रोमांचित हो रहा है धृतराष्ट्र के ऊपर कोई परिणाम नहीं उसने कहा है संजय ये फालतू की बात क्या करते हो मुझे केवल इतना बताओ युद्ध में विजय किसकी होने वाली है संजय दत्राठ का नौकर है सेवक है कितना साफ सत्य उत्तर संजय ने दे दिया जिसको ज्ञानेश्वर महाराज ने संपूर्ण गीता का सबसे महत्वपूर्ण श्लोक कहा संजय ने कहा महाराज क्या पूछते हैं आप विजय किसकी होगी यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुधरा तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुआ नीतिर मतिर मम बात पूरी और मुझे कुछ भी पता नहीं है लेकिन जिस पक्ष में भगवान कृष्ण है और अर्जुन है विजय उन्हीं के पक्ष में जाने वाली ये निर्भयता जीवन के संग्राम में भी मित्रों एक बात ध्यान रखना विजयी कौन होगा हम में धनुर्धर पार्थ का अर्थ है बॉडी फिटनेस और योगेश्वर कृष्ण का अर्थ है ब्रेन फिटनेस जिसका शरीर स्वस्थ है और जिसका मस्तक संतुलित है विवेक से निर्णय लेता चलेगा जीवन के संग्राम में विजयी होकर के रहेगा हरि कमल बहेगा हरी यमल जय सुकुनी

के शरण का परिणाम यह था अर्जुन का मोह नष्ट हो गया शस्त्र त्याग किए हुए अर्जुन उठ करके खड़े हो गए नष्टो मोह स्मृतिर्सादान मयाच्युत स्थितोस्मगत पुनः शस्त्रों को धारण करके अर्जुन अपने स्थान पर हो होगा युद्ध के लिए सिद्ध हो गए अकर्मण्य मनुष्य के जीवन में दिव्य कर्म की प्रेरणा भगवत गीता निर्माण करती है उधर एक दूसरा प्रसंग खड़ा हो गया प्रभु ने अर्जुन को समझाया वो युद्ध के लिए सिद्ध हो गए सब लोग देख रहे थे कि इन दोनों का क्या संवाद चला है कुल मिलाकर के गीता 40-45 मिनटों का संवाद है इतने थोड़े समय में इतना बड़ा दिव्य उपदेश संसार में कहीं पर भी किसी के भी द्वारा किसी को नहीं किया गया और ये हम लोगों का भाग्य है कि यह हम लोगों को उपलब्ध है तो अर्जुन पुनः कर्तव्य के लिए सिद्ध हो गया लेकिन उधर क्या हुआ धर्मराज युधिष्ठिर अपने रथ से नीचे उतरे उन्होंने अपना कवच खोल करके रख दिया शस्त्र भी अपने रथ में रख दिए और हाथ जोड़ करके पैदल सामने की ओर चले सबको लगा कि हद हो गई है क्या हो गया पहले छोटे भाई को डिप्रेशन का अटैक आया अब ये बड़े भैया को आ गया ये कहाँ जा रहे हैं धर्मराज धर्मराजिष्ठिर हाथ जोड़ करके आगे बढ़े तो चारों भाई दौड़े कि बड़े भैया को क्या हो गया कहां जा रहे हैं पैदल कृष्ण भगवान उधर नहीं गए उनको पता है एक बंदा क्या करने वाला है क्या किया धर्मराज ने देखो यह प्रसंग छोटा सा लेकिन महानतम प्रसंग है धर्मराज राजर्षि भीष्म के रथ के सामने जाकर के खड़े हो गए राजर्षि भीष्म कौरवों के सेनापति है धर्मराज युधिष्ठिर वहां पर जाकर के हाथ जोड़ करके खड़े हुए और क्या बोले दादाजी मैं आपका पोता युधिष्ठिर आपको प्रणाम करने के लिए आया हूं मेरे ऊपर प्रसंग आया है कि मैं आपसे युद्ध करूं आपकी अनुमति के बिना मैं युद्ध नहीं करूंगा इससे आपसे युद्ध करने की मुझे अनुमति दीजिए और युद्ध में विजय प्राप्त हो इसलिए आशीर्वाद भी दीजिए ऐसा क्या करके धर्मराज युधिष्ठिर ने भीष्म के पग पक पकड़ लिए खाली फॉर्मेलिटी का गुड मॉर्निंग नहीं किया पादव संपीड पग तो पकड़ करके ऐसे ही खड़े दस मिनट के बाद जिसकी छाती पर बाण छोड़ने हैं दस मिनट के बाद जिसके साथ युद्ध करना है ऐसे अपने दादाजी के पास जाकर के प्रणाम करते हैं धर्मराज और उनसे अनुमति भी चाहते हैं और आशीर्वाद भी चाहते हैं इसे कहते हैं शील उनके मन में रागद्वेश नहीं है युद्ध के लिए उनको आना पड़ा क्योंकि युद्ध करना उनका कर्तव्य हो गया अंतकरण में जहर नहीं है भीष्म ने कहा बेटे मैं तुम्हारी बात जो रहा था देखो प्रणाम करने नहीं आते हैं तो तुम पछताते जाओ युद्ध करो विजयी भव विजयी अरे प्रतिपक्ष का सेनापति आशीर्वाद दे रहा है विजयी भव क्योंकि जो प्रणाम करता है वो आशीर्वाद पाने का अधिकारी होता है धर्मराज वहां से आगे बढ़े आचार्य द्रोण के सामने खड़े हो गए वहां पर भी वही किया गुरुदेव आपके साथ युद्ध करने की बारी मेरे ऊपर आई है मैं युद्ध के लिए आपकी अनुमति चाहता हूं क्षत्रिय होने के नाते युद्ध मुझे करना पड़ेगा लेकिन मुझे अनुमति चाहिए और विजय के लिए आशीर्वाद चाहिए द्रोण ने कहा विजयी भव धर्मराज आगे बढ़े शल्य के पास गए शल्य माद्री के भाई नकुल सहदेव के मामा तो पांडव भी उन्हें अपना मामा मानते हैं दुर्योधन ने धोखे से उन्हें अपने पक्ष में ले लिया द्रोण तो महान है शल्य कोई उतने महान है नहीं किंतु मामा है पूज्य है धर्मराज वहां जाकर के प्रणाम करके कहते हैं विजय के लिए आशीर्वाद दीजिए मामा जी शल्य ने आशीर्वाद दिया एक विचित्र बात देखो ये ही सब महाभारत में कौरवों के सेनापति एक के बाद एक बने हैं महाभारत का कुल युद्ध मिलकर के अठारह दिन का हुआ इन अठारह दिनों में पहले दस दिन भीष्म ही सेनापति थे उसके बाद पांच दिन द्रोण सेनापति है उनके बाद दो दिन कर्ण सेनापति है और उसके पश्चात एक दिन के लिए शल्य सेनापति है तो कुल मिलाकर के कौरव पक्ष में जो चार सेनापति खड़े हुए उनमें से तीन लोगों ने आशीर्वाद दिया है विजयी भव शत्रु पक्ष का सेनापति आशीर्वाद देता है। कृतज्ञ रहो आपको आशीर्वाद मिलेगा जिस किसी ने आपके ऊपर उपकार किए होंगे उनको भूल नो मत किसी भी कार्य में उनको याद करना उनकी तस्वीर के सामने खड़े होकर के प्रणाम एक बार कर लेना ऐसे मत मानना कि मरने के उपरांत सब चले गए अब खत्म ही तो हो गया पहली बात वो खत्म होता नहीं है एक बात और दूसरी बात आपके शील की परीक्षा है आप अपना कर्तव्य करते, करते हैं कि नहीं अभिवादनशील से नित्य वृद्धोपसेना चतर तर्धनते आयुर्विद्या यशो बलम विनम्रता से जो प्रणाम करते रहता है बड़ों के सामने झुकता रहता है ध्यान रखना जीवन में अपने आप उसका मस्तक समाज में ऊंचा उठता जाता है बी ग्रेटफुल उपकारकर्ताओं के उपकारों को मानो उनको समय समय पर याद करो वे आपके लिए कुछ नहीं करेंगे लेकिन आपने धर्म का पालन किया इसलिए भगवान आप पर कृपा करते हैं ध्यान रखना मां बाप के फोटो को प्रणाम करते हैं तो उस फोटो में से मां बाप हमें आशीर्वाद देते हैं कि नहीं देते हैं यह बात दूसरी है वो देते हैं दूसरी बात लेकिन मुख्य बात यह है मैंने धर्म का पालन किया इसलिए भगवान मेरे ऊपर कृपा करते हैं क्योंकि ये धर्म के नियम भगवान के दिए हुए हैं, इसलिए मातृदेव भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव देवो भव यह सब इसलिए दैट विल मेक यू सक्सेसफुल और तीन सेनापति तो यहां पर थे कर्ण वहां पर था नहीं कर्ण ने देखा था कर्ण ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक भीष्म है युद्ध में तब तक मैं नहीं आऊंगा तो तक लड़ूंगा नहीं तो लड़ने के लिए कर्ण नहीं आए हैं लेकिन फिर भी कर्ण वहां पर उपस्थित है और दूर से देख रहे हैं प्रेक्षक के रूप में कर्ण दूर खड़े हैं। कृष्ण भगवान ने क्या किया कृष्ण भगवान क्या है इसको समझिए धर्मराज और पांडव भीष्म के पास द्रोण के पास जा रहे कृष्ण भगवान उधर सीधे कर्ण के पास गए कर्ण को देखा हाय कर्ण भगवान की स्टाइल है वो अपने ढंग से बोले अरे क्या कर रहे हो कर्ण ने कहा कुछ नहीं देखने के लिए आया हूं हाँ, मैंने सुना है कि तुमने प्रतिज्ञा की है जब तक भीष्म तब तक तुम युद्ध नहीं करने वाले हो करने का सही बात है मैं नहीं करूंगा कृष्ण भगवान ने क्या कहा पता है कर्ण आइडिया मेरी एक बात सुनो तुमने प्रतिज्ञा की है कि जब तक भीष्म है तब तक कौरवों के पक्ष में तुम लड़ोगे नहीं तो ऐसा करो ना जब तक तब तक हमारी ओर से लड़ना और में उधर से जाकर के लड़ लेना वेस्ट टाइम और ये कैसा जोक है ये विनोद और ये विनोद भगवान कर रहे हैं कुरुक्षेत्र के समरांगण में मैं आपको पढ़ करके दिखाता हूं तम में कर्ण भीषम द्वेशात की अस्मान से असमान वर या राधेय असमान वर या जब तक बीच पर नीचे गिरते नहीं तब तक तुम हमारी पार्टी में ऐसे लड़ लो और बीच पर गिर जाएंगे तो उधर से जाकर के लड़ लो समय क्या को खराब करते हो हते तु भीष्मे राधेय नरेश सं संयुगम भारतराम य चेत सम ये भगवान के द्वारा किया गया इतना बड़ा विनोद है इसका अर्थ क्या है इसका अर्थ इतना बड़ा युद्ध होने पर भी भगवान को टेंशन वेंशन कुछ भी नहीं है He is cutting jokes. Can you be that free? While working every day, Gita ये सिखाने वाला शास्त्र है. You will be able to take things lightly. निरंतर छोटी मोटी बात को लेकर के हम ऐसे गुप होकर के बैठते हैं पता नहीं क्या होगा अरे क्या होगा सारी गीता का उपदेश भगवान ने मुस्कुराते हुए किया है ध्यान रखना तमुवाचर शी के प्रहसन्नी बार प्रहस हंसते हंसते गीता बोले और उस गीता को हमने इतना गंभीर बना करके रख दिया निर्माण क्या डोंट do गीता कर्मकांड नहीं है गीता सीरियस ज्ञान की कैप्सूल नहीं है सबसे पहले इस बात को ध्यान में लो गीता संगीत है इट्स अ सॉन्ग गीता का नाम क्या है गीता गीता गीत ये द्वारा गाया गया संगीत है अब उसमें सभी प्रकार के राग आते हैं ज्ञान के भी और कर्म की भी और ध्यान की भी सब कुछ आती है बेसिकली इट्स मेलोडियस जो गीता को अपने जीवन में लाता है उसका जीवन संगीत में बन जाता है अब इसके पश्चात युद्ध का आरंभ हुआ और यह युद्ध लगातार 18 दिनों तक चला है सूर्योदयस्य सूर्यास्तपर्यन्तम् <laughs> भजगोविन्दं बालमुकुन्दं <laughs> भजगो भजगोविन्दम् परमानन्दः प्रांगण में इस महाभारतीय युद्ध में कुल मिलाकर के 18 अक्षौणी सेना लड़ी है अक्षौणी का 18 अक्षवणी का अर्थ होता है लगभग उनचालीस लाख उसका गणित है यह युद्ध तो 18 दिनों तक चला है गीता के अठारह अध्याय महाभारत के भी अठारह पर्व है अब इतने बड़े युद्ध का वर्णन करने के लिए मेरे पास अठारह मिनट भी नहीं है युद्ध को विस्तार से देखने की आवश्यकता भी नहीं है युद्ध तो युद्ध है जिस सूत्र को लेकर के हम लोग महाभारत देखते चले हैं वो सूत्र मूल हमारे जीवन में मतभेद कहां से आरंभ होते हैं ये मतभेद कैसे बढ़ते जाते हैं सह करके भी इन मतभेदों को कैसे कम करना चाहिए रोकना चाहिए और नहीं रोकेंगे तो आगे चल करके कैसे महाविनाश की बारी आती है यह सारा हमारे जीवन का रोडमैप हम लोगों को महाभारत में मिलता है